सांप एक ऐसी जीव है जिसने इस धरती पर इंसानों का सबसे ज्यादा जान लिया है। भारत में हर साल लगभग 58,000 लोग इन्हीं जहरीले सांपों की वजह से मारे जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा गांव, जंगल और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग मारे जाते हैं। वजह है उनके पास इमरजेंसी हेल्प का सुविधा ना होना। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सांप काटने से कैसे बचना चाहिए और सांप काटने के बाद हमें क्या करनी चाहिए जिससे हमारी जान बच सके। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप खुद की और दूसरों की जान बचा सके। इस पृथ्वी पर कुछ सांप ऐसे होते हैं जो इंसान को देखकर भाग जाते हैं, तो वहीं पर कुछ सांप ऐसे होते हैं जो इंसान को एक बार काट कर भागते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि सांप हम इंसानों को देखकर नहीं डरता है, बल्कि सांप के अंदर भी उतना ही डर होता है जितना सांप को देखकर हम इंसानों के अंदर होता है। इसीलिए सांप हम इंसानों को एक बार काट कर भागते हैं ताकि आप उनका पीछा करके उन्हें मार ना पाए। अब हम जानते हैं कि अगर सांप हमें काट ले तो हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको सांप काट ले तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति का सहारा लीजिए, वरना अपने किसी दोस्त का मदद लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें ताकि आप जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। सांप काटने पर आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंसान सांप के जहर से नहीं बल्कि सांप ने काट लिया है इस डर की वजह से मारे जाते हैं। इसलिए आप जितना डरेंगे, घबराएंगे और कहीं पर चलने की कोशिश करेंगे तो उतने ही तेजी से आपकी हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी ब्लड के जरिए जहर भी उतने ही तेजी से पूरे बॉडी में फैलेगा और आप बेहद ही कम समय में जहर की वजह से मारे जाएंगे। इसलिए जैसे ही आपको सांप काट ले तो आपको डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डर और घबराहट को दूर करने के लिए लंबे लंबे सांसें लीजिए, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर कम होगा और जहर का तेजी से फैलना भी कम होगा। अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है तो अपने हाथ को नीचे रखें ताकि जहर ऊपर तक जल्दी पहुंच न पाए, और अगर पांव में काटा है तो कहीं पर लेट जाए, और हो सके तो जिस वक्त आपको सांप ने काटा था उस वक्त आप हिम्मत रख के सांप की एक फोटो ले लीजिएगा, जिससे आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को सांप की नस्ल का पहचान करवा सके, क्योंकि हर सांप के लिए अलग अलग दवा बनी होती है। ऐसे में अगर बिना सांप के पहचान किए आपको कोई गलत दवा दे देगा तो उसमें आपकी जान का भी खतरा हो सकती है। और अगर आप सांप को पहचानते हैं तो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर को सांप का नाम बताकर सांप की नस्ल का पहचान करवा सकते हैं। और अगर आपको सांपों के बारे में नहीं पता है तो आप इंटरनेट से सांप की फोटो को देखकर उनके नाम को नोटिस कर लीजिए। वरना बने रहिए इस चैनल के साथ, आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा जिनमें आपको सांपों के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वरना क्या पता वीडियो मिस हो जाएगा। कई लोग सांप काटने पर उस जगह को ब्लेड से चीर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से खून के साथ साथ जहर भी जल्दी निकल जाता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खून ज्यादा निकलने की वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है, और साथ में मुंह से जहर चूसने की गलती भी ना करे जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मरीज के साथ साथ जहर चूसने वाले व्यक्ति के अंदर भी जहर प्रवेश कर सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। बल्कि इसके बदले आप एक सिरिंज लीजिए और उनके सुई वाले हिस्से को निकाल दीजिए और जहाँ पर आपको सांप ने काटा है उस नस्ल पर सिरिंज को रख के सिरिंज को ऊपर की तरफ खींचकर वहाँ से ब्लड को निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से ब्लड के साथ साथ जहर भी निकल जाता है। ब्लड निकालने पर ब्लड का कलर आपको ब्राउन की तरह दिखेगा, दरअसल उसमें ब्लड के साथ साथ काले रंग की जहर मिक्स हुआ होता है। ध्यान रहे, ब्लड आपको दोनों निशान से निकालनी है और तब तक निकालनी है जब तक ब्लड निकलना पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, 3 से 4 बार निकालेंगे तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, और ये काम आपको सांप काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर करना होगा, क्योंकि सांप काटने पर इंसान तब तक नहीं मरता है जब तक जहर पूरे बॉडी में फैल ना जाए, और जहर को पूरे बॉडी में फैलने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसलिए ये काम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर करना होगा ताकि जहर ज्यादा दूरी तक ना फैल पाए। और हाँ, ये काम आपको तभी करना है जब आपके पास इमरजेंसी का कोई सुविधा ना हो। अब हम जानते हैं कि सांप काटने पर पट्टी बांधनी चाहिए या नहीं। अगर आपको रसल वाइपर, इंडियन कोबरा या कॉमन ग्रेट सांप ने काट लिया है या किसी ऐसे सांप ने काट लिया है जिनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, तो उन केसेस में आपको पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और आपकी बॉडी में जितने भी टाइट कपड़े हैं वो सभी निकाल देनी चाहिए, जैसे कि बेल्ट, टाइट जींस, जूते, घड़ी या ऐसी कोई भी टाइट चीजें हैं तो आपको उसे निकाल देनी चाहिए। बॉडी को ढीला होने दे और जहर को फैलने से ना रोके, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि इस जहर से बचने का यही एक उपाय है। पूरे दुनिया भर के सांपों के अंदर 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला साइटोटॉक्सिन, दूसरा
हीमोटॉक्सिन और तीसरा न्यूरोटॉक्सिन, जिनमें से न्यूरोटॉक्सिन सबसे ज्यादा जानलेवा जहर होते हैं। अगर ये जहर आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए तो ये जहर 15 मिनट के बाद आपके बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, जिसे पूरे बॉडी में फैलने के लिए 4 घंटे तक का समय लगता है। और अगर ये पूरे बॉडी में फैल गया तो सबसे पहले ये जहर आपके दिमाग को काम करना बंद कर देगा और आप अपने हाथ या पांव को हिलाना भी चाहेंगे तो आप नहीं हिला पाएंगे और साथ में आपकी दम घुटने लगेगा, जिससे आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर ज्यादा समय बीत जाता है तो यह जहर आपकी बॉडी की मसल्स को पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। ऐसे में अगर आप पट्टी से बांधकर जहर को फैलने से एक ही जगह पर रोकेंगे तो यह जहर एक ही जगह पर रहकर वहाँ की मांस को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, जिससे आपको बाद में उस बॉडी पार्ट को कटवानी भी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आपको न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांप ने काट लिया तो आप पट्टी ना बांधते हुए सीधा हॉस्पिटल तक जाइए। अगर आपको न्यूरोटॉक्सिन जहर के अलावा किसी और जहर वाले सांप ने काटा है तो उन केसेस में आपको पट्टी बांधनी चाहिए, परंतु पट्टी बांधने की भी कुछ तरीके होते हैं। सांप काटने पर किसी पतली रस्सी से ना बांधे, क्योंकि ऐसा करने पर ब्लड फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ इस तरह से बांधनी है जिससे ब्लड के साथ साथ थोड़ा जहर भी फ्लो होते रहे। इसके लिए हमें कुछ ऐसे पट्टी की जरूरत होगी जो एक रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो। पट्टी बांधने से पहले सांप काटे हुए जगह को पहले साबुन से वॉश कर लीजिए, और ध्यान रहे अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है तो पट्टी आपको उंगलियों से लेकर बाइसेप तक बांधनी है, और अगर पाँव में काटा है तो आप पाँव की उंगलियों से लेकर जांग तक बांधिएगा। ऐसा करने से ब्लड के साथ साथ जहर भी हमारे बॉडी में धीरे धीरे फैलता रहेगा और हमारे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा सांप काटने पर मरीज को घबराहट के मारे प्यास लगने लगती है, उस समय मरीज को पानी या खाने पीने की ऐसी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। अगर आप उन्हें खाने पीने की कोई भी चीज देते हैं तो उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और मरीज की मौत जल्दी ही हो सकती है। इसलिए जब तक मरीज का इलाज नहीं हो जाता तब तक हमें मरीज को खाने पीने की ऐसी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि सांप काटने पर मरीज को डर के मारे बेहोशी आने लगती है, उस वक्त आप मरीज को बेहोश होने से रोकिए, उन्हें हौसला दिलाइए कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है और वो बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा करके उन्हें शांत रखे और उन्हें सोने ना दे, वरना अगर वो सो गया तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए सो गया, क्योंकि बेहोश होने पर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और मरीज की मौत जल्दी ही हो सकती है। मरीज की बेहोशी को रोकने के लिए मगरमच्छ नामक इस प्लांट की पत्तियों को तोड़कर अपने हाथों में मलकर पत्ती की जूस को मरीज की नाक में डाले। इस जूस की स्मेल से मरीज को नींद नहीं आएगा और मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। इस पौधे का भारतीय नाम मगरमच्छ है। इस पौधे का दूसरा फायदा यह है कि अगर आप इस पौधे को आप अपने घर के आसपास लगाते हैं तो इससे निकलने वाले स्मेल से सांप दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने घर को सांप से सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस पौधे को अपने घर में जरूर लगवाएं, क्योंकि कॉमन क्रेट नामक इस सांप की बच्चे को जंगलों से ज्यादा आपको अपने घर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सांप दीवार पर भी चलती है और इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, सांपों के अंदर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जहर। तो इस सांप से बचकर रहिएगा। सांप काटने पर किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास ना जाए, क्योंकि आज भी गांव में सांप काटने पर कई लोग तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास जाकर झाड़फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कई बार मरीज की मौत भी हो जाती है। दरअसल तांत्रिक के पास जाकर जो मरीज ठीक हो जाते हैं उन्हें किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा होता है और वो मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, और सभी लोग सोचते हैं कि यह सब तांत्रिक का चमत्कार है। वरना हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन जैसे खतरनाक जहर का इलाज हॉस्पिटल के अलावा और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर कोई जहरीले सांप ने काट लिया और वो तांत्रिक के पास जाकर झाड़फूक के चक्कर में पड़ जाए तो उनका बच पाना असंभव है। इसलिए इन ढोंगी बाबा के पास जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब आइए जानते हैं सांप काटने से हमें कैसे बचना चाहिए। जैसे ही आप सांप को देखिएगा तो उनसे दूरी बनाए रखिएगा और उन्हें छेड़छाड़ करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जब भी किसी सांप को इस पोजीशन में देखिएगा तो समझ लीजिए वो अभी आपको काटने के मूड में है, और जब तक सांप आपको नुकसान पहुंचाने की गलती ना करे तब तक आप उन्हें मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि उन्हें भी इस पृथ्वी पर जीने का पूरा हक है और हमें उसे जीने का पूरा हक देना चाहिए। अगर सांप आपको काट ले तो आपके पास बचने के कई उपाय हैं, परंतु अगर आप सांप को मारने की कोशिश करेंगे तो उनके पास खुद की बचाव के लिए आपको काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए सांप हम इंसानों को एक बार काट कर भागते हैं ताकि आप उनका पीछा करके उन्हें मार ना पाए। अगर सांप आपका पीछा करने लगे तो आपको सीधे रास्ते नहीं बल्कि जिगजैग पैटर्न में भागना है। ऐसा करने से सांप भी आपका पीछा करते हुए जिगजैग पैटर्न में भागने लगेगा, जिससे सांप की चलने की स्पीड कम हो जाएगा और आप आसानी से सांप से बच जाएंगे। अपने घर को सांप से दूर रखने के लिए अपने घर में अंडे और मुर्गी को ना रखें,
और साथ में मेंढक, चूहे और छिपकली को अपने घर में ना आने दे, क्योंकि सांप इन्हीं चीजों को खाता है और इनका पीछा करते करते सांप आपके घर में भी आ सकता है। अगर आपके घर में कहीं पर सांप दिख जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके घर में स्वयं भगवान ने पधारा है। ये सब इंसानों का भ्रम है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है और हम इंसानों को इनसे खतरा है। इसलिए रेस्क्यू वालों को बुलाकर सांप को अपने घर से दूर करवाए। सांप से बचने के लिए जमीन पर ना सोए, किसी बेड पर सोइएगा और साथ में मच्छरदानी लगाकर सोइएगा। अपने घर की वातावरण को साफ सुथरा रखें और मीठे फल की छिलके इधर उधर ना फैलाएं, जैसे कि आम, संतरा और केले। इन सभी फल की छिलके को एक डस्टबिन में रखिएगा। बिना जांच पड़ताल के किसी भी बिल में हाथ ना डालें। जब भी अंधेरे में निकलिएगा तो अपने साथ लाइट लेकर निकलिएगा, और एडवेंचर के लिए जंगलों में निकलिएगा तो अपने पाँव में लेदर की जूते जरूर लगवाइए, क्योंकि सांप चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, उनकी दांत लेदर की जूते को छेद नहीं कर पाता है। और साथ में अपने सिर में हेलमेट जरूर लगवाइए, क्योंकि जंगलों में सांप जमीन के अलावा ऊपर पैर पर भी लटके होते हैं। और जंगलों में कहीं पर कैंप लगवाइएगा तो किसी साफ सुथरा जगह पर ही लगवाइएगा, क्योंकि सांप धूप से बचने के लिए इन्हीं झाड़ियों में छुपे होते हैं। तो दोस्तों, ये रही सांप से बचने की कुछ तरीके। दोस्तों, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सांप किसी एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में पाए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। और साथ में आज की ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।